क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बॉयस खैरियत से होंगे। एक और टॉपिक के साथ मैं आप लोग के पास आया हूँ। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं मुझे कि भाई बर्ड खाना नहीं खा रहा है, या एक कोने पे जाके बैठा है, या फेदर झड़ रहे, ठीक है, या फिर आंखें बंद करके बैठा है, तो क्या मेरा बर्ड बीमार है। ऐसे सवाल मुझे आते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि इसी के ऊपर एक टॉपिक बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को भी नॉलेज मिल जाए कि एक बीमार बर्ड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, ठीक है। हाउ टू नो इफ योर बर्ड इज सिक इज द टॉपिक फॉर टुडे। ऑलराइट, देखो दोस्तों, एक बर्ड जो आपके पास रहता है, भले टेम बर्ड हो या केज बर्ड हो, ठीक है, उसको आपको डेली टाइम देना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। आपका बर्ड केज के अंदर ही हो, वाइल्ड बर्ड हो या टेम बर्ड हो, जितना आप अपने बर्ड को लेके बैठोगे ना, अगर आपका टेम बर्ड है, जितना आप उसको लेके बैठोगे, तो उतना एट अ अर्लियर स्टेज आप डिटेक्ट कर पाओगे कि बर्ड बीमार है क्या नहीं, एज कम्पेयर टू यू नॉट गिविंग द बर्ड टाइम एट ऑल, एंड यू कम टू नो एट अ लेटर स्टेज दैट द बर्ड हैज फॉलन सिक, या बीमार है, या मरने वाला है, जो भी है, ठीक है। डेली आप अपने बर्ड को लेके बैठो एंड जस्ट ऑब्जर्व द बर्ड ना, इफ देयर इज एनी वेरिएशन इन द बर्ड्स हैबिट विच इज नॉट नॉर्मल, प्लीज ट्रीट इट सस्पिशियसली, ठीक है। कुछ भी बर्ड का हैबिट अगर आपको अबनॉर्मल लग रहा है, उससे आपको ऑब्जर्व करना, उसको आपको नोटिस में लाना है, ठीक है। तो अगर आपका बर्ड हेल्दी रहेगा ना दोस्तों, वो हमेशा अलर्ट रहेगा, ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपका बर्ड का सेटअप या बर्ड का केज बालकनी में है, या आप रूम के अंदर हो, तो बर्ड को आप एक डिस्टेंस से ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, दूर से उसको ऑब्जर्व कीजिए, जहाँ से बर्ड आपको देख नहीं पा रहा है, उसको देखो आप कि बर्ड का बिहेवियर कैसा है, वो केज के अंदर क्या कर रहा है, एक्टिवली घूम रहा है ना, ठीक है, और स्लोली उसके करीब आइए केज के, और फिर उसको ऑब्जर्व करो कि आप वो रिएक्ट कैसे कर रहा है, ठीक है। एक हेल्दी बर्ड हमेशा अलर्ट होएगा, ठीक है, वो अपने विंग्स टाइट कर लेगा, ठीक है, वो अलर्ट होएगा, वो आपको देखेगा, वो जंप करके आएगा, ठीक है, आईज वाइड ओपन हो जाएंगे, ठीक है, ये सब साइन है कि बर्ड अलर्ट है, ठीक है, हेल्दी है, ठीक है। तो कुछ साइंस है दोस्तों, जिसके जरिए से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बर्ड बीमार है क्या नहीं, ठीक है, वो क्या क्या है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। नंबर वन इज क्लियर आईज, ठीक है, सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे, हाउ टू नो इफ द बर्ड इज सिक, ठीक है। नंबर वन इज क्लियर आईज। देखो दोस्तों, जब भी आप बर्ड को लो ना हाथ में, उसकी आंखें देखो, आंखें राउंड है ना, उसकी आईज देखो आप, ठीक है, आईज राउंड है ना, आईज हमेशा राउंड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, इट शुड बी ऑलवेज वेरी क्लियर, आईज में कुछ भी डिस्कलरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, आईज शुड बी ऑलवेज क्लियर, ठीक है, आईज में कुछ रेडनेस नहीं होना चाहिए, या आईज ओवल शेप नहीं होना चाहिए, आईज शुड ऑलवेज बी राउंड, ठीक है, तो डिस्कलरेशन नहीं होना चाहिए, तो दैट इज पॉइंट नंबर वन, क्लियर आईज, ठीक है। नंबर टू इज नॉस्ट्रिल्स, क्लियर नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स मीन्स नोज, ठीक है, जहां से बर्ड सांस लेता है उसको आपको देखना है कि बर्ड का नॉस्ट्रिल्स क्लियर है ना, ठीक है, उसको सांस करने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना, ना जो नॉस्ट्रिल्स है क्लॉक्ड अप तो नहीं है, स्पेशली कॉकटेल्स में बहुत देखने को मिलता है कि बर्ड को जब सर्दी होती है तो नॉस्ट्रिल्स जैम हो जाते हैं, क्लॉक्ड अप हो जाता है, तो आप देखिए कि नॉस्ट्रिल्स क्लियर है ना, नॉस्ट्रिल्स शुड बी क्लियर, कुछ भी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज, नॉस्ट्रिल्स के आजू बाजू में जो भी फेदर्स होते हैं, ठीक है बेटा, इधर आओ, बर्ड के नॉस्ट्रिल्स के आजू बाजू में जो भी फेदर्स होंगे ना, वो एकदम ड्राई होना चाहिए, ठीक है, डर्टी नहीं होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी बर्ड का नॉस्ट्रिल देखो कितना क्लियर है, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स के आजू बाजू फेदर्स देखो ड्राई है, इसी तरीके से आपका बर्ड का नॉस्ट्रिल्स जो है वो क्लियर होना चाहिए, एंड The feathers around the nostrils should be clear, ठीक है? Clear nostrils, that's the point number two, ठीक है?
पॉइंट नंबर थ्री इज अलर्टनेस. या तो फिर रिस्पॉन्सिव. आपका बर्ड, एक हेल्दी बर्ड हमेशा अलर्ट रहेगा, रिस्पॉन्ड करेगा आपके अप्रोच को, रिस्पॉन्ड करेगा आपके कॉल को, रिस्पॉन्ड करेगा. ठीक है, आप देखो एक कॉकटेल कैसा देख रहा है मेरे को, मेरा है, उसका हेड मेरी तरफ है, अपना उसका क्रस्ट ओपन कर लिया है. मीन्स द बर्ड इज अलर्ट. हमेशा ध्यान रखिए कि एक हेल्दी बर्ड हमेशा अलर्ट रहेगा. ठीक है, विजुअली अलर्ट रहेगा, देखेगा, हियरिंग अलर्ट रहेगा. ये सब चीज अलर्ट, बर्ड आप पे एकदम अलर्ट होना चाहिए. आप जब बर्ड को अप्रोच करते हो तो देखो कैसे बिहेव कर रहा है, वो अलर्ट है ना, आवाज तो करता है ना, विंग्स टाइट किया है ना, ये सब देखिए आप. तो पॉइंट नंबर थ्री वुड बी अलर्टनेस. आपको बर्ड आपके अप्रोच पे, बर्ड आपको रिस्पॉन्ड करेगा. ठीक है, नंबर फोर वुड बी विंग्स फोल्डेड एंड नॉट फॉलिंग. इसका मतलब यह है कि जब आपने बर्ड को लोगे ना हाथ में, तो उसके विंग्स ड्रूपी नहीं होने चाहिए. मीन्स द विंग्स शुड बी टाइट. बर्ड को आप हाथ में लोगे तो विंग्स वो अपने टाइट होल्ड करना चाहिए. ठीक है, आप बैठे करो, अब देखो इसके विंग्स देखो कैसा इसने होल्ड किया, आपने विंग्स को फोल्ड किया है. ठीक है, ऐसा अपने बर्ड को, बर्ड के विंग्स को ऑब्जर्व करो कि वो अपने विंग्स को टाइटली होल्ड करना चाहिए. ठीक है, ऐसा छोड़ देना नहीं चाहिए. ठीक है, देखो कैसा टाइटली नीटली उसने अपने विंग्स को पकड़ के रखा है. ठीक है, तो ऐसा आपका बर्ड विंग्स को टाइटली होल्ड करना चाहिए. ठीक है, ये एक साइन है कि बर्ड हेल्दी है, कि बर्ड बर्ड वीक नहीं है. ठीक है, तो विंग शुड बी होल्ड हेल्ड टाइट. ठीक है, नंबर फाइव वुड बी अगेन दिस इज रिलेटेड टू द विंग्स. नो अनटाइडी फेदर्स. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जिससे मालूम पड़ेगा कि आपका बर्ड हेल्दी है. ठीक है, फेदर्स एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए बर्ड का. मीन्स व्हाट, एक एक सली एक एक सलीके से बर्ड का फेदर्स होना चाहिए, अनइवन नहीं होना चाहिए. ठीक है बेटा, कर अब इसका फेदर्स देखो. ठीक है, इवन फेदर्स है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि एक जगह फेदर्स है एक जगह फेदर्स नहीं है, ऐसा तो नहीं है. अब देखो बर्ड कैसा देख रहा है, अलर्ट है एकदम. आईज देखो उसका कैसा राउंड है. ठीक है, हेड देखो, हेड ऊपर है. ठीक है, ये सब साइंस है हेल्दी बर्ड का. ठीक है, फेदर्स देखो एकदम इवन है, सब जगह से बराबर फेदर्स है. ठीक है, ठीक है, तो और एक और चीज, बर्ड का जो नॉस्ट्रल्स है उसके पास फेदर्स देखो कैसा क्लीन है. ठीक है, सर्दी तो नहीं है. ठीक है, ये सब साइन है कि बर्ड हेल्दी है, एकदम फेदर्स नीट एंड क्लीन होना चाहिए, शाइन होना चाहिए फेदर्स में. ठीक है, सो नो अनटाइडी फेदर्स वॉज माई फिफ्थ पॉइंट. नेक्स्ट इज मूविंग एक्टिवली. ये बहुत जरूरी है. बर्ड आपका हेल्दी तब रहेगा जब वो एक्टिव रहेगा. ठीक है, आपने बर्ड को ऑब्जर्व कीजिए, एक्टिव तो है ना, मूव केज के अंदर है, एक्टिवली मूव तो कर रहा है ना, खा रहा है, पी रहा है, अंदर मस्ती कर रहा है. एक्टिव होना बहुत जरूरी है बर्ड का. अगर आपका बर्ड एक्टिव नहीं, एक कोने पे बैठा है, मीन्स देयर समथिंग रॉन्ग. ठीक है, तो प्लीज देखो ये कैसा एक्टिव है एकदम. ठीक है, एकदम ऐसा बर्ड आपका चुस्त होना चाहिए, एकदम एक्टिव होना चाहिए बर्ड. ठीक है, ये साइन है कि बर्ड हेल्दी है. ठीक है, सो एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू फाइंड योर बर्ड सिटिंग एट वन कॉर्नर विदाउट डूइंग एनीथिंग या ज्यादा सो रहा है, तो देयर समथिंग रॉन्ग विद द बर्ड. ओके, सो प्लीज गेट इट चेक. नंबर सेवन वुड बी
ब्रीदिंग प्रॉपरली, एक हेल्दी बर्ड का ब्रीदिंग आपको कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। जिस तरीके से हम इंसान नॉर्मली हम जब सांस लेते हैं तो हमको सामने वाले को माननी पड़ेगा कि हम सांस ले रहे हैं, बिकॉज इफ यू आर हेल्दी योर ब्रीदिंग शुड नॉट बी डिटेक्टेबल। ऐसा हांफना नहीं चाहिए, ठीक है? इंसान हो या बर्ड हो, बर्ड हांफना नहीं चाहिए, ठीक है? दैट इज अ साइन ऑफ अ हेल्दी बर्ड दैट द बर्ड इज नॉट पैंटिंग और द ब्रीदिंग शुड नॉट बी विजिबल और डिटेक्टेबल, या मुंह से सांस लेना नहीं चाहिए। ये साइन है कि बर्ड आपका हेल्दी है, ठीक है? सो बर्ड ब्रीदिंग शुड बी, अभी देखो प्रॉपर टेल्स में सर्दी खांसी का इशू बहुत होता है, ठीक है? अभी इसके देखो कैसे आराम से बैठा है, नॉस्ट्रिल्स कैसा क्लीन है इसके, नाक कैसा क्लियर है। तो बर्ड का जो ब्रीदिंग है, सांस लेने का तरीका है, वो आपको विजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है? वो साइन है कि बर्ड हेल्दी है, ठीक है? तो ये सात साइंस थे, ठीक है, हेल्दी बर्ड के। सो दिस वॉज द साइन ऑफ हेल्दी बर्ड। ठीक है, तो ये सात पॉइंट है जिसके जरिए से आपको मालूम पड़ेगा कि आपका बर्ड हेल्दी है, ठीक है? अब ऑपोजिट टू दिस, हाउ वुड यू नो दैट योर बर्ड इज सिक? कुछ साइंस है जिसके जरिए से हमें मालूम पड़ेगा कि आपका बर्ड बीमार है, ठीक है? ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। नंबर वन वुड बी, ये बहुत कॉमन है और इजीली डिटेक्टेबल हो जाता है, स्लीपी डीप बिहेवियर। ठीक है, ये बहुत कॉमन साइन है जिससे मालूम पड़ेगा कि बर्ड आपका बीमार है, ठीक है? स्लीपी दिखेगा बर्ड आपको, ठीक है? एक चीज का मगर आप ध्यान रखिए कि अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे, मतलब एक सात से लेके 9 बजे के बीच में बर्ड थोड़ा स्लीपी रहता है, थोड़ा सुस्त रहता है, ठीक है? वो टाइम पर आप बर्ड को देखोगे स्लीपी है, सुस्त है, तो उससे आप जज ना करें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग एंड आफ्टरनून टाइम पे बर्ड थोड़ा स्लीपी रहता है, ठीक है? तो वो टाइम पे बर्ड को अगर आप देख रहे हो स्लीपी है, तो उससे आप जज मत करो। थ्रू आउट द डे इफ द बर्ड इज स्लीपी, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बर्ड, ठीक है? स्लीपी है, अगर अलर्ट नहीं है बर्ड आपका, ठीक है, अलर्ट नहीं है, अगर आपके पास मल्टीपल बर्ड्स है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इफ योर अदर बर्ड्स आर बिहेविंग एक्टिवली एंड इफ दिस पर्टिकुलर बर्ड इज स्लीपी, देन समथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट, ठीक है? तो आप इसका ध्यान रखिए कि बर्ड ज्यादा स्लीपी नहीं होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, ज्यादा नींद नहीं आना चाहिए उसको, ठीक है? नंबर टू वुड बी वेट लॉस। अगर बर्ड आपका बीमार है ना, आपको ऐसा लग रहा है बीमार है या खाना पीना नहीं खा रहा, तो उसको आप अपने हाथ में लेके देखिए। बर्ड को हाथ में लो दोस्तों, आप बर्ड को फील करो, उसका मास, बॉडी मास फील हो रहा है ना आपको, देखो उसका हड्डियां तो फील नहीं हो रही है ना, हेल्दी लग रहा है ना, ऐसा फील करो बर्ड को, ठीक है? बर्ड प्लम्प फील होना चाहिए, भरा हुआ फील होना चाहिए आपको, ठीक है? तो बर्ड को हाथ में लेके फील करो, बर्ड का वेट है ना, ये सब आप देखो, ठीक है? अगर बर्ड बीमार है तो उसका पहला वेट लॉस होएगा, ठीक है? खाना पीना छोड़ेगा, वेट लॉस होएगा उसका, ठीक है? पॉइंट नंबर थ्री वुड बी अगेन रिलेटेड टू वेट लॉस, रिड्यूस्ड एपेटाइट। बर्ड खाना पीना कम कर देगा अगर बर्ड बीमार रहेगा तो, ठीक है? जिस तरीके से हम जब बीमार पड़ते हैं, वी हैव कोल्ड फ्लू, नो वी हैव फीवर, आवर एपेटाइट गोज फॉर टॉस, राइट? वी डोंट फील हंग्री, सिमिलरली विद बर्ड्स गाइस।
तो अगर आपका बर्ड बीमार है, बीमार बर्ड का साइन है कि वो खाएगा नहीं बराबर, ठीक है, द बर्ड एपेटाइट वुड ड्रॉप। ओके, फोर्थ, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, wet feather near nostrils bird का जो nostrils है ना, means nose, यानी जहाँ से सांस लेता है, उसके आसपास feathers wet रहेंगे, ठीक है? आओ इधर, जैसे कि अब यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे ठीक है, इसका अगर बर्ड को इसको सर्दी रहेगा ना, तो इसके नॉस्ट्रिल्स के आसपास फेदर्स अनटाइडी रहेंगे, वेट रहेंगे, तो एक साइन है कि बर्ड को सर्दी है या बर्ड बीमार है। तो ये आप ऑब्जर्व कीजिए, ये आप नोटिस कीजिए कि बर्ड का जो फेदर्स नॉस्ट्रिल्स के बाजू में वो वेट तो नहीं है ना, ठीक है। जिस तरीके से हमें सर्दी होता है वैसा बर्ड को भी सर्दी होता है, ठीक है। तो उसके नॉस्ट्रिल्स के आजू बाजू जो फेदर्स है नॉस्ट्रिल्स के ऊपर, वो चेक कीजिए आप, वो वेट तो नहीं है ना, वेट रहेगा मतलब तो सर्दी है, ठीक है। सो द फिफ्थ पॉइंट वुड बी लो प्रीनिंग एक्टिविटी। प्रीनिंग मींस फेदर मेंटेनेंस, प्रीनिंग मींस क्लीनिंग ऑफ योर फेदर्स, ठीक है। बर्ड दिन में कई बार आप देखो कि अपने फेदर्स को स्ट्रेच करेगा, फेदर्स को झटकेगा, फेदर्स को क्लीन करेगा, डेड फेदर्स जो भी उसको पुल आउट करके फेंकेगा। तो अगर आपका अगर बर्ड बीमार है तो वो पहला ये एक्टिविटी करना बंद करेगा, ठीक है। बर्ड प्रीनिंग एक्टिविटी बंद कर देगा, जो फेदर्स होते हैं वो फेदर्स को अनटाइडी रहने देगा, क्लीन नहीं करेगा, वो प्रीनिंग नहीं करेगा, इससे मालूम पड़ेगा आपको कि बर्ड बीमार है, ठीक है। सिक्स इज नॉस्ट्रल डिस्चार्ज, बर्ड को सर्दी है, ठीक है, कॉकरेज से मालूम पड़ जाता है इजीली है बहुत। अगर बर्ड को सर्दी हो गया है या लूज मोशन कुछ हो रहा है, सर्दी पकड़ लिया है, तो नॉस्ट्रिल्स में डिस्चार्ज आएगा या नॉस्ट्रिल्स क्लॉग्ड अप हो जाएगा, वो एक साइन है कि बर्ड बीमार है, ठीक है। तो बर्ड का नॉस्ट्रिल्स चेक कीजिए आप कि सर्दी तो नहीं है ना बर्ड को, ठीक है, ऐसा चेक कीजिए नॉस्ट्रिल्स को, देखिए आप कुछ डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, ये सब देखिए, इससे मालूम पड़ेगा कि बर्ड बीमार है क्या नहीं, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सेवेंथ, अनक्लियर ब्रीदिंग, ठीक है, बर्ड हाफ रहा है आपका, ठीक है, या सांस बराबर नहीं ले रहा है, आपको दिखेगा अगर वो हाफ रहा है या सांस बराबर नहीं ले रहा है तो उसका आईज भी छोटे हो जाएंगे, तो आप वो ऑब्जर्व कीजिए कि उसका आईज तो छोटा नहीं हो गया है, ठीक है, हाफ रहा है क्या, क्यों हाफ रहा है। अगर आपका हैंड फीडिंग चिक है, हैंड फीडिंग बेबी है जिसको आप हैंड फीड कर रहे हो या हैंड फीड सीख रहे हो, और आपने गलत तरीके से हैंड फीड किया, स्पेशली क्रॉप फीडिंग, गाइस आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस टेक्निक ऑफ क्रॉप फीडिंग। अगर आपने बर्ड को गलत तरीके से फीड किया, क्रॉप फीड का आपको इतना आपका हाथ बैठा हुआ नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द क्रॉप द नीडल कुड डैमेज द विंड पाइप और यू नो द पैसेज फ्रॉम वेयर द फूड गोज इन, वो इंजर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा ना, बर्ड आपका हाफेगा, सोई सोई वो इट वुड स्ट्रगल फॉर एयर, ठीक है। ये साइन है कि बर्ड को इंटरनली कुछ डैमेज हुआ है, कुछ लगा है, कुछ इंजरी हुआ है, या तो फिर वर्स्ट सिचुएशन इज द फूड द हैंड फीडिंग फॉर्मूला हैज गॉन इनटू द लंग्स, ठीक है, वो टाइम पे बर्ड आपका इमीडिएटली कोलैप्स करेगा, या तो कुछ फूड पार्टिकल्स लंग्स में गया इसलिए वो हाफ रहा है, ठीक है। सो unclear breathing is the seventh point, and last is
हेड अंडर विंग, ये भी बहुत इजीली आपको डिटेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। बर्ड अगर बीमार रहेगा, उसको ठंडी लग रहा है या इम्यून सिस्टम वीक है, तो वो अपना फेदर्स के अंदर हेड डाल के बैठा रहेगा, ठीक है, कोने में बैठा रहेगा एंड थ्रू आउट द डे बैठा रहेगा वो, ठीक है। बाहर कितना भी सनलाइट हो, कितना भी शाइनी डे हो, वो बर्ड अगर बीमार रहेगा तो अपने फेदर्स को वो विंग्स के अंदर टकिंग करके बैठेगा। तो ये साइन है जिससे बर्ड आपका, ये साइन इससे पता चलेगा आपको कि आपका बर्ड बीमार है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। सो ऑल दीज वर साइंस ऑफ इलनेस, ठीक है। बहुत अगर आपका हेल्दी है तो ये सब साइंस आपको देखने मिलेगा, एंड इफ योर बर्ड इज इल, इफ योर बर्ड हैज फॉल सिक, यू वुड गेट दीज सिम्टम्स, ठीक है। तो ये टॉपिक था आज का मेरा दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा था, मगर गाइस वॉट एवर नॉलेज आई एम शेयरिंग विद यू ना, आई गो थ्रू ऑल माई नोट्स प्रॉपरली, ठीक है। मैं प्रॉपर स्टडी करता हूँ एंड देन once I'm convinced is when I share my knowledge, ठीक है। तो जो भी मैं स्टडी मटेरियल से मैं स्टडी करता हूँ उसमें तो मैं कुछ काट फूट के तो आपको मैं सिखा नहीं सकता या बता नहीं सकता हूँ। तो प्लीज़ ध्यान रखिए जो भी मैंने बताया पॉइंट्स आपको, ठीक है। इन चीज़ों का आप ये चीज़ का आपको अगर नॉलेज आ जाएगा ना, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि भाई मेरा बर्ड बीमार है क्या, खाना नहीं खा रहा है या कोने में बैठा है। ये सब साइंस से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका बर्ड बीमार है या हेल्दी है, ठीक है। या अगर आप एक नया बर्ड लेने जा रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इफ यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू बर्ड प्लीज डू चेक फॉर दीज साइंस, ठीक है। हेल्दी होना चाहिए, नॉस्ट्रिल से डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, आईज राउंड होना चाहिए, आईज में डिस्कलरेशन नहीं होना चाहिए, दिन के टाइम पे सोना नहीं चाहिए बर्ड, ठीक है। ये सब चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। सो आई एम डन विद टुडे, आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। देखो बर्ड ऐसा अलर्ट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बर्ड होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, विंग्स प्रॉपर होना चाहिए, फेदर कंडीशन प्रॉपर होना चाहिए, आईज राउंड होना चाहिए बर्ड का, ठीक है। दीज आर साइंस ऑफ अ गुड बर्ड, हेल्दी बर्ड, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, बिकॉज लॉट ऑफ एफर्ट गोज इन टू मेक दिस वीडियो, ठीक है। एंड आई डू माई स्टडी प्रॉपरली बिफोर पासिंग द इन्फॉर्मेशन टू माई व्यूअर्स, ठीक है। सो प्लीज गाइज शो योर सपोर्ट टू माई चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर बर्ड फैंसियर्स, ठीक है। आई फील बर्ड लाने से पहले हमें ये सब इन्फॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। बीमार बर्ड कैसा दिखता है, बीमार बर्ड का साइंस क्या है, अगर हेल्दी बर्ड लेने आप जा रहे हो तो क्या पॉइंट्स है, फैक्टर्स है, जिसके जरिए से हमें मालूम पड़ेगा कि बर्ड आपका हेल्दी है, ठीक है। ये चीज का आप ध्यान रखिए, ठीक है। एक थंब रूल बता दो आपको मैं, ठीक है, बर्ड के बारे में। जिसके जरिए से आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा कि बर्ड बीमार है या नहीं, ठीक है। 2 मिनट लिए हम बर्ड को बाजू में रखते हैं, ठीक है, और हम ह्यूमंस की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बीमार पड़ते तो क्या साइंस दिखाते, व्हाट साइंस डू वी शो व्हेन वी फॉल सिक। नंबर 1 वुड बी संकिन आईज, है ना, आंखें अंदर चली जाती है अगर मैं बुखार होता तो। नंबर 2 is cold, flu, ठीक है, सर्दी होती है हमें। नंबर 3 is वेट लॉस, है ना। 4th is reduced appetite, है ना, जब भी हमें बुखार होता है, हम बीमार पड़ते हैं तो खाने पीने को मन नहीं करता,
गाइस एक थंब रूल हमेशा ध्यान में रखिए, जो चीज हमें होती है जब हम बीमार होते हैं वही सेम चीज बर्ड्स को भी होता है, ठीक है। ऑल दीज आर द सेम साइंस दैट वी सी इन बर्ड्स एज वेल। ठीक है, अगर आपका बर्ड बीमार है तो उसकी आंख राउंड नहीं होएगा, ओवल हो जाएगा, आंख का कलर डिस्चार्ज कलरेशन चेंज होएगा, कोल्ड एंड फ्लू बर्ड के नॉस्ट्रिल से डिस्चार्ज होगा, ठीक है। नंबर 3 वुड बी वेट लॉस, बर्ड हल्का हो जाएगा, बर्ड को आप हाथ में लो वो आपको थोड़ा हल्का फील होएगा, भरा हुआ नहीं लगेगा, उसका स्केलेटन फील होएगा आपको, हड्डी फील होएगा, ठीक है। एंड 4th पॉइंट वुड बी खाना पीना नहीं खाएगा वो। तो जो जिस तरीके से हम जब बीमार पड़ते तो हम सिम्टम्स दिखाते हैं, उसी तरीके से आपका बर्ड भी सिम्टम दिखाएगा, ठीक है। दैट इज द मेन थंब रूल। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। प्लीज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।